आप लोग बैठे क्यों हो? मम्मी जी आपके लिए भी प्लेटें बना दूं? ओए मेरी ऐसी किस्मत का, मैं थे डाइट पे हूँ, ये लौकी का जूस पीना है मैंने। ओ तोशी जी, डिटॉक्स डाइट। ओए बात आपके समझ में आ गई है ना, बस बहुत है। जमाई जी इतने प्यार से लाए और आप होगी लौकी का पानी वानी पियोगे? देखो ये डाइट शाइट ना बाद में कर लेना, आज तो ये चकना चकना हो जाए। लो जी। ओ यार तू इतने प्यार से कह रही है, छोड़ दो और लाद एक प्लेट, एक समोसा, एक कचौरी, ये हुई ना बात। लो नो चीटिंग दादी। ले आ गई मेरी दादी। दादी पियो, आपको पार्टी की तरह पतला होना है ना। वो तो होना है, तो फिर ये पीना पड़ेगा। पियो 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 पियो। वेरी गुड माय दादी। अरे इश्ता जी आप तो बैठिए। नहीं एक्चुअली आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है। आप एक काम कीजिएगा, ये सब बचा के रख लीजिएगा, शाम को जब मैं आऊंगी ना वापस तो मैं चाय के साथ ले लूंगी। अरे नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा समोसा खा लूंगा, मेरी बीवी खाए या मैं खाऊं एक ही बात है, है ना दीदी? इशिमा हेट हो रहा है, चलो चलो चल भाई आजा तू खा। क्या हो गया? पापा उनको अभी भी लगता है कि मैं उनसे कट्टी हूँ, वो कितना ट्राई कर रहे हैं मुझको पट्टी बनाने का। मतलब उन्हें बुद्धू बना रहे हो? नॉटी गर्ल टुप्पू। ईशिमा आपने पापा को बताया मेरे एलोकेशन के बारे में? पापा जरूर आएंगे, उनको सब बता दिया मैंने। ओके लो मामा पापा गर्मा गर्म पकौड़ा, बारिश में ना पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और। बारिश खत्म होगी तब लेकर आइए। अरे इशिता जी और रमन को भी बुला लो। रहने दो ना उन दोनों को। ओ सुना रिंकी, इसमें जरा बेबी के लिए दूध भर के ले आ। ओ तुलसी जी आप क्यों मुंह लटका के बैठे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हाय रब्बा पहुंच गई ये टांग जली बिल्ली। ओए तू यहाँ क्या चली आ रही है? हाँ यहाँ नहीं रहती अब तू। रमन कहाँ है? मैंने आपको कॉल किया था कि मैं रमन से मिलने आ रही हूँ। आपकी परेशानी की वजह ये है। कहाँ है वो? देखा आपने भल्ला जी, इसे चैन नहीं है। फोन पे कहती है मुझे काम है, पता नहीं हमें क्यों ये चैन से जीने नहीं देती। मम्मा रूही बेटा। हाय बच्चा, आपको पता है मम्मा आपको कितना याद कर रही थी। आई मिस यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा। बेटा ये लो चॉकलेट्स, आदि भैया ने आपके लिए दिया है। आदि भैया आए हैं? कहाँ है? नहीं आदित्य के एग्जाम्स हैं, लेकिन उसे पता था ना मैं आ रही हूँ, तो बोला कि मेरी छोटी सी रूही को ये चॉकलेट्स दे देना। तू यहाँ सिर्फ ये चॉकलेट देने तो नहीं आई है? ओ मम्मी जी डिब्बा भी नहीं से। हाँ डिब्बा भी नीचे से ही खरीदा होगा है ना? नाटक कंपनी। तू चॉकलेट देने आई थी ना यहाँ पे और चॉकलेट का डिब्बा मिल गया। रूही पुत्र तू अंदर जा, मेरा बच्चा। ओए हुन बता की काम है? वो रमन से एक डीवीडी चाहिए थी जो उसने आदित्य के स्पोर्ट्स डे पर बनाई थी। एक्चुअली नए स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी है तो वो डीवीडी चाहिए थी अर्जेंटली, मुझे सबमिट करनी है वहां। अच्छा ओए ओए भल्ला जी इनने से काम के लिए क्वीन खुद इधर तशरीफ ले आई। ओए तू इस निक्के जे काम के लिए ड्राइवर को नहीं भेज सकती थी? ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए वो तू कब से ऐसे भाग दौड़ करने लगी? बोल आप रमन को बुलाइए ना, मुझे वो डीवीडी चाहिए। कहाँ है वो? वो तो अंदर है, बड़ा बिजी है, इशिता के साथ गया है ना अंदर, तो पता नहीं कब निकलेंगे वो दोनों। मियाँ बीवी है ना,
आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा भी तो नहीं ना लगता, है ना? ते है ना सिमी, इनका तो ये रोज का है ना? और नहीं तो क्या मम्मी जी, और दोनों ना अभी अभी बारिश में भीग भूख के आए। बाय गॉड, मुझे तो लग रहा है कि रमन भाई पे भी ना बारिश का फुल असर हो रहा है। बाय गॉड। और अच्छा वैसे क्या करना है? वो दोनों तो अभी अभी कमरे में गए हैं और भीगे हुए हैं ना, तो मुझे तो लगता है मम्मी जी उन दोनों को ना टाइम लगने वाला है। अब न्यूली मैरिड है ना, तो न्यूली मैरिड को तो टाइम लगता ही है ना इन सब चीजों में, मतलब सब चीजों में टाइम लगता है उनको, यू नो। तुमको बहुत शौक है ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का? मुझे कोई शौक नहीं, तुम्हारे अम्मा पापा की मदद करा था मैं, समझी? प्लीज डोंट इवन बॉदर, हां क्योंकि उन्हें पता नहीं है तुम उनका यूज कर रहे हो मीका की जिंदगी खराब करने। मुझे तुम्हारी मीका में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? एक तो तुम्हारे अम्मा पापा की मदद की, थैंक यू बोलने के बजाय चढ़ रही है मुझ पे। थैंक्स माय फुट। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मीका और मीर की लाइफ के साथ गेम्स खेलते रहो? क्योंकि हजार बार बोल चुका, एक बार फिर सुन, मीर की लाइफ के डिसीजंस मैं लेता। अच्छा अच्छा, और उसमें तुम, तुम्हारी वो बहन कहीं फीचर नहीं करते, समझे? और गेम्स खेलने की पुरानी आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। मेरी? जी हाँ, तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं वहां से रूही के साथ वापस आना चाहता था, तो क्या किया तुमने? तो आप अब वही का वही टेप रिकॉर्डर दोबारा चलाएंगे, और वहां पे नीचे क्या तमाशा चल रहा था? प्लीज हाँ, मुझसे थोड़ा डिस्टेंस भी रहा करो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि आप मुझे छुओ बात बात। अरे चुप करो यार, मुझे क्या शौक है तुम्हें छूने का? हाँ, परी हो, गुरो कहेंगे, आईना है पीछे, शक्ल देख लो मुड़ के। वो भी मैंने रूही के लिए किया था, क्योंकि रूही बालकनी से हमें देख रही, समझी? और तुम ना सीरियसली पास नहीं आते अपनी हरकतों से, इतने दिनों से देख रही कि मैं फर्ज कर रहा रूही के पास आने की, झूठे मुंह कभी मदद तक नहीं की। मैंने नहीं की मदद? फाइन, डिस्टेंस चाहिए ना, हटो पीछे, हटो पीछे, डिस्टेंस दो मुझे। ये तुम्हारा बैग, वो तुम्हारे सड़े हुए कपड़े, निकालो खुश हो इस बैग में और कोने में दफा हो जाओ। आप बस मुझे डीवीडी दे दीजिए, मैं चले जाऊंगी। ओ पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, सिमी जरा जाके देखना, इतनी देर लगा रहा है रोमांटिक कपल। ओ नहीं मम्मी जी, मुझे तो ना शर्म आती है सब नॉक वॉक करते हुए, अब पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे, मैं कैसे नॉक कर सकती हूँ? हाँ मैडम प्लीज, रात हो चुकी है, कपड़े निकालिए, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आपको इतनी जल्दी तो आप निकालिए। ओह माय प्लेजर। कितनी जल्दबाजी है हाँ? ये सारे काम जितनी जल्दी करो उतना अच्छा। ओए अब तू क्या यहाँ रात भर खड़ी रहेगी? और सुनना है क्या? आप मुझे डीवीडी दे दीजिए, मैं चले जाऊंगी। वो तो तुझे रोमी दे देगा। ओए सुनो रोमी, ओए वैसे एग्जाम की टेंशन है, इनको देख लो। आ रहा हूँ मम्मी। बोल रहा क्या? क्या हुआ मम्मी जी, और ये यहाँ क्या कर रही है? ओए डीवीडी लेना, ये वो आदि के सपोर्ट्स डे के दिन के डीवीडी ला दे इसे, नहीं तो ये यही खड़ी रहेगी उस बहाने। कहाँ है यार ये डीवीडी? बाय गॉड, मेरे घर वालों के बिना सो नाटक है। बाय गॉड, वैसे अपनी दी फटी पड़ी है, इनको देख लो यार। बाय गॉड, बंटी इन एग्जाम की टेंशन में ना मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ। अरे जाफर के बच्चे ने ना छुट्टी करा दी हमारी। ये लो जी, पकड़ो जी। नमस्ते। हो गया तेरा काम जिस काम के लिए आई थी, चल अब टका। खुशी जी कमाल। ओए रहन दे ओ भल्ला जी, आप खुद भी बड़े चस्के ले रहे थे, आपके भी कलेजे में ठंड तो पै गई ना उसका इंसल्ट होते देखकर। आए बड़े पापा मुंह खोलो। आ बोलो। ओ जी भाई की आवाज़ तो वापस आ जाएगी ना? आ जाएगी। लगता है बारिश में मुंह खोलो, बारिश में भीगने की वजह से इनका गला बहुत ही गीला हो गया है। नहीं मतलब कि खराब हो गया है, मुंह खोलो। इनके गले पर बहुत ही स्ट्रेन हुआ है, ये बहुत पीते हैं क्या? पीते? डॉक्टर साहब पीता बहुत है, बर्फ डाल डाल के पीता है, किसी की आवाज भी नहीं सुनता है। अरे अपनी आवाज ही नहीं सुन सकता तो किसी की आवाज क्या सुनेगा? मुझे तो लगता है कि ये चिल्लाता भी बहुत है। ये बहुत चिल्लाती इशिमा पर। इशिमा?
इशिमा कौन है? इशिता इसकी बीवी। अरे रमन बेटा, रमन बेटा तुम पे कब अक्कल आएगी? कब तुम समझोगे कि अपनी बीवी पर चिल्लाते नहीं है? बीवी पर चिल्लाने से बीवी बिगड़ जाती है, वो नाराज हो जाती है। जब बीवी नाराज होती है तो अच्छे अच्छों की तबीयत खराब हो जाती है ना। अच्छा देखो ये सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें हाँ एक सिरप देता हूँ, इसे टाइम टाइम पर ही लेना है। ये छोटा पिक समझ कर गटाक से पी मत जाना, समझ गए ना? हाँ क्या मांग रहे? हाँ हाँ देखो अगर ये सब तुम करोगे ना तो दो दिन के लिए तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। दो दिन के लिए? नहीं मतलब कि दो दिन के बाद वापस आ जाएगी, और अगर दो दिन में नहीं आती है तो एक हफ्ते में वापस आ जाएगी। क्या है ये? पर सब आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। लाइए वेट, देखिए डॉक्टर साहब एक्चुअली मामला ये है कि आज हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी दिन है। एक लैंड ऑक्शन है जहाँ पे हमें बिडिंग करनी है और इनकी आवाज की बहुत जरूरत है क्योंकि इनको खूब चिल्लाना है। तो आप एक ऐसा काम कीजिए ना, कोई ऐसी दवाई या कुछ इंजेक्शन दे दीजिए जैसे ये चुटकी में ठीक हो जाए। अरे भाई डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के जादूगर नहीं हूँ जो ये मैंने मेरा ये कुछ उठाया और बुर किया और ये ठीक हो गया। ऐसे कुछ नहीं होता, आराम करना है, किसी पर चिल्लाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, समझे? और नो बिडिंग, नो ऑक्शन, नथिंग डूइंग, समझे? हाँ सुन लिया तुम दोनों ने, अब इसे आराम करने दे। अब चलो डॉक्टर साहब मैं आपको बात करता हूं। हां चल टेक केयर ऑफ योर पापा बेटा, बाय बाय। आइए रमन एक काम करते हैं, तुम लिखो मैं पढ़ता हूं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वी विल मैनेज समथिंग। रमन प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स नंबर्स तो ठीक से लिखो कम से कम, ये 300 है। ओ भाई तू स्कूल में पास कैसे हो जाता था? हैं पापा वेरी बैड हैंडराइटिंग। ओ ये बचपन में भी ऐसे ही लिखता था, फिर ऊपर से ये खोता कंप्यूटर आ गया, उसने और भी आदत खराब कर दी। आज तो मारे गए, क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। क्या हो गया इशिमा? आज पापा साइलेंट मोड पर है, फुल डे नो स्पीकिंग। पापा कुछ चिल्लाना अलाउड भी नहीं है, कुछ पीना भी अलाउड नहीं है, और फाइटिंग करना भी अलाउड नहीं है। नो फाइटिंग? हाँ क्या साली जिंदगी है। ओए शीता ऐसे कैसे बात कर रही है तू? मैं मम्मी जी मैंने नहीं बोला, उनके मन में ये चल रहा है ना? क्या अभी ये क्या कह रहे? मेरा दिमाग खराब मत करो। वाओ भाभी क्या टैलेंट है। टैलेंट? आउटस्टैंडिंग, दिस कैन सेव अस। रमन मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऑक्शन और बिडिंग के लिए भाभी को साथ में ले चलें। आई मीन नहीं नहीं सुन मेरी बात, सुन वहां पे तुम बोली लगाना और वो बोली आगे लगाएंगे। साउंड्स परफेक्ट डजंट इट? हां बिडिंग और मैं, ये ले जाना ही नहीं चाहते हैं मुझे। देखो अरे कैसे नहीं लेके जाएंगे भाभी, आज हमारी कंपनी का फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको चलना ही पड़ेगा। यू हैव टू सेव अस, है ना रमन? देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने में, लेकिन अगर ये मुझे अनमने ढंग से ले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए अगर लोग दिल से एक आध प्लीज बोल के तो। अरे हाँ हाँ भाभी प्लीज बोलेंगे ना। रमन प्लीज बोलो, रमन बोलो ना प्लीज, प्लीज रमन प्लीज बोल दो, रमन प्लीज आई बेग यू, भाभी को प्लीज बोल दो प्लीज। भाई बोलना प्लीज, प्लीज प्लीज बोलना, बोलना बोल दे पुत्र, बोल दे प्लीज प्लीज। दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाभी देखिए प्लीज लिख दिया, अरे प्लीज ही है रमन के स्टाइल में, प्लीज है ना? हाँ भाभी प्लीज अब तैयार हो जाइए। बात वही है ना, समझ में आना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। अब जब दिल से बात निकले उसकी तो बात ही अलग होती है। ये दिल से था।